अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ PAF इंस्टीट्यूशन ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्प्रिंग एडमिशन 2023 की डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को। हमें मास्टर्स एंड बैचलर्स में एडमिशन ऑफर करवाए जा रहे हैं। तो मास्टर में हमें MS डाटा साइंस, MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MS मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन, MS बायोटेक्नोलॉजी, MS बायोमेडिकल साइंस, MS मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग, MS मटेरियल इंजीनियरिंग, MS मीनिंग इंजीनियरिंग, MS मिनरल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, MS एनवायरमेंटल प्रोसेस एंड एनर्जी इंजीनियरिंग, MS एम्बेडेड सिस्टम एंड प्लॉट्स, MS एनर्जी एंड पावर सिस्टम्स, MS रेलवे सिस्टम इंजीनियरिंग एंड MS ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। अगर हम बैचलर्स की बात करते चलते हैं तो बैचलर्स में हमें BS कंप्यूटर साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS डाटा साइंस, BS मेडिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS माइक्रोबायोलॉजी, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BS हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, BS इंग्लिश, BS एनिमेशन डिजाइन, BS फैशन डिजाइन, BS फिल्म एंड टेलीविजन, BS गेम डिजाइन, BS इंफॉर्मेशन डिजाइन, BS टेक्सटाइल डिजाइन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड BS अप्लाइड फिजियोलॉजी के प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें इसकी डेडलाइन की। तो अभी तक इसकी डेडलाइन अवेलेबल नहीं है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ने, उन्होंने अभी तक इसकी डेट अनाउंस नहीं की गई। जैसे इसके सीट्स फिल हो जाएंगी इन प्रोग्राम्स की तो इनके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर आप चेकआउट करना चाह रहे हैं इसका अंडर ग्रेजुएट का फीस स्ट्रक्चर, तो आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर हमारे पास रेगुलर सेमेस्टर का फीस स्ट्रक्चर है जो 1 लाख से अबव है, और इसी के साथ ही पर क्रेडिटार्स यानी कि एक क्रेडिटार्स की कितनी फी है वो मेंशन की गई है। फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये फीस स्ट्रक्चर मेंशन है, और ये पाकिस्तान के स्टूडेंट के लिए फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है। ये हमारे पास मौजूद है मास्टर प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर जिसमें ट्यूशन फी मेंशन है, इसके ऑनवर्ड पर क्रेडिटार्स कितनी फी है, कोर्स अगर आप रिपीट करते हैं तो उसकी फी है, एडमिशन फी है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी 1000 रुपी है जो कि नॉन रिफंडेबल है, सिक्योरिटी फी है जो कि 1 डे में आपको देनी पड़ेगी और रिफंडेबल है। इस तरह इसके स्पोर्ट्स क्लब सोसाइटी के चार्जेस और अदर चार्जेस पर सेमेस्टर मेंशन किए गए हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए यानी कि मास्टर्स के लिए। इसके साथ अगर मैं बात करती हूँ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अंडर ग्रेजुएट जिनके BS प्रोग्राम में इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होना लास्ट में है, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डाटा साइंस में, इसमें अप्लाई करने के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स के। इस तरह BS बायो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गेम डिज़ाइन, एनिमेशन डिज़ाइन, इन इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए BS टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, अप्लाइड फिजियोलॉजी एंड BS इंग्लिश में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट के 40 में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट के 45% मार्क्स रिक्वायर्ड। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मास्टर प्रोग्राम के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर BS 16 ईयर ऑफ एजुकेशन फॉर MS प्रोग्राम्स के लिए। इसमें स्टूडेंट के जो मार्क्स का क्राइटेरिया है, इसमें 50% मार्क्स उसके टेस्ट करने चाहिए, बाकी उनका 2.5 CGPA होना चाहिए 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में से, और उन्होंने AGC की कॉन्ग्रेस यूनिवर्सिटी से अपना BS कंप्लीट किया हो तो वो एलिजिबल है फॉर एडमिशन के लिए। अगर हम बात करते हैं इसके मेरिट फॉर्मूला की, तो आपके जो मैट्रिक में 10% वेटेज इंक्लूड होगी, इंटरमीडिएट में 30% और एंड्यू टेस्ट की जो वेटेज होगी, अगर आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है अगर आपने सेट दिया हुआ तो 60% वेटेज इंक्लूड होगी। डिजाइन प्रोग्राम में, आर्ट्स में और ऑल बैचलर प्रोग्राम्स में, यानी कि टेस्ट देना आपको कंपल्सरी है फॉर एडमिशन के लिए। इसके साथ ही BS आर्ट एंड डिजाइन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, इसके साथ ही आपका टेस्ट होगा जिसमें आपके 50% मार्क्स होंगे और इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज इंक्लूड नहीं की गई। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मास्टर प्रोग्राम्स की, तो इसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए बैचलर में 16 ईयर ऑफ एजुकेशन में, और टेस्ट, इंटरव्यू एंड रिसर्च स्टेटमेंट में भी आपके 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है फॉर एडमिशन के। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टेस्ट सैंपल के बारे में जो कि ईच प्रोग्राम के लिए, तो इसमें टेस्ट फर्स्ट जो हमारा होगा उसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स होगी जिसमें 100 MCQs होंगे और पेपर 4 सेक्शन पे बेस करेगा। इसमें इंग्लिश, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के MCQs होंगे। जो टेस्ट 2 होगा वो भी 2 आवर्स का होगा, उसमें 100 MCQs होंगे और वो भी 4 सेक्शन पे बेस करेगा, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। टेस्ट 3 जो होगा वो भी बेस करेगा 4 सेक्शन पे, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिजिक्स एंड मैथ्स। तो आपने अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, यानी कि आपने कंप्यूटर पढ़ा है, ICS किया हुआ है, या आपने बायो नहीं पढ़ी और मैथ्स पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो उस वाले टेस्ट में अप्लाई करना है। और फॉर एडमिशन के लिए लाजमी चेकआउट कर लें टेस्ट 1 में क्या है, टेस्ट 2 में क्या है और टेस्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8 में, यानी कि उन्होंने ईच प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसका टेस्ट मेंशन किया हुआ है। यानी कि जो डिजाइन प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो उनकी ड्राइंग होगी, एम्पटीट्यूड होगा और अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर ICS, तो उनके इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर के MCQs होंगे उनके लिए।
तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट कर लेना है, देन आपने अप्लाई करना है फॉर टेस्ट के लिए। अगर मैं बात करती हूँ टेस्ट की फर्दर डिटेल्स के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं इसके फर्स्ट सेक्शन के बारे में, जिसमें मैंने मेंशन किया है, जो कि हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन है जो आप देख सकते हैं, सेक्शन वन। इसके साथ ही जो हमारे पास सेक्शन टू उन्होंने मेंशन किया है, वो हमारे पास है बायो का। आपने लाजमी ये टेस्ट पैटर्न को चेकआउट कर लेना है। टेस्ट पैटर्न अगर आप चेकआउट कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि आपका टेस्ट कैसा होगा। सेक्शन थ्री है फिजिक्स, इनके फिजिक्स आपके कैसे एमसीक्यूज होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। इसका भी केमिस्ट्री आप चेकआउट कर सकते हैं, रिएक्शंस वगैरह। तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है ईच प्रोग्राम के टेस्ट की कंप्लीट डिटेल्स, जो कि बेस करी है 116 पेजेस पे। तो जिस भी स्टूडेंट ने जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है, वो लाजमी उसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर लें टेस्ट से पहले। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट की मेरे से कोई भी क्यूरी है एडमिशन के अबाउट, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।